हेलो दोस्तों, यम फूड में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं प्रोटीन रिच हेल्दी रजवाड़ी ढोकड़ी, जो मिनटों में बन जाती है। अगर आपके पास कोई सब्जी ना हो तो आप ये ज़रूर बनाइएगा। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको एक कप बेसन का फ्लोर लेना है, उसमें आप सॉल्ट, टैमरिक एंड ग्रीन चिली डाल दीजिए, थोड़ी सी रेड चिली भी। और एक कप बेसन लिया है तो 3 कप पानी डाल दीजिए। मैं यहाँ 2 लोगों के लिए सब्जी बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से ये चेंज कर सकते हो। देन एक पैन में ऑयल गरम करेंगे, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, क्यूमिन सीड्स एंड हींग डाल के तड़का लगाएंगे। उसमें जो हमने पेस्ट तैयार की थी वो हम डाल देंगे और इसको आपको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते रहना है। आपको 10 मिनट तक इसे चलाते रहना है, जब तक कि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक ना हो जाए। आप ये कंसिस्टेंसी देख सकते हो, आपको उसे यहाँ तक लाना है। फिर आप कोई छोटी सी प्लेट या कंटेनर में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके इसको स्प्रेड कर दीजिए। और आपको उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और 10 मिनट तक उसे छोड़ दीजिए उसे ठंडा होने के लिए। अब तो एक टोमेटो और गार्लिक क्लव में चॉपर में चॉप कर रही हूँ। आप चाहे तो मिक्सर में भी उसकी ग्रेवी बना सकते हो। अब एक पैन में ऑयल गरम करके हम वापस क्यूमिन सीड्स और हींग का तड़का डालेंगे और जो टोमेटो और गार्लिक क्लव की पेस्ट है वो हम इसमें डाल के सौते होने के लिए रखेंगे। आपको इसे 3 से 4 मिनट तक सौते होने के लिए रखना है। उसके बाद उसमें टैमरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड रेड चिली पाउडर डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लो। थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो और इसको हमें छोटे छोटे पीस में काट लेना है। आप चाहे तो बड़े पीस भी कर सकते हो। मैं इसके भी और पीस बना दूंगी। आप देख सकते हो कि कितनी सॉफ्ट तैयार हुई है दोस्तों। मैंने इसको भी और छोटे छोटे पीसेस में काट करके रख लिया है। अब आपको ये पेस्ट में थोड़ा सा कर्ड डालना है। और इसको अच्छे से मिला लीजिए और थोड़ा सा पानी डाल दो, यानी कि थोड़ी सी थिक ग्रेवी तैयार हो जाए। थोड़ी सी ग्रीन चिली पेस्ट और जो हमने बनाया है इसको थोड़ा सा मैश करके डाल दो तो ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। ये स्टेप ऑप्शनल है। अब 5 मिनट के बाद सारी ढोकली इसमें ऐड कर दो और थोड़ी देर स्लो फ्लेम पे रखो। तो हमारी ये ढोकली तैयार हो गई दोस्तों। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।